गीता वाटिका में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार एवं राधा बाबा का स्मृति महोत्सव के अंतर्गत आयोजित बुद्ध चरित कथा कार्यक्रम में गुरुवार को वृंदावन से श्रद्धालुओं को कथा सुनाने आए संत राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज द्वारा उद्धव चरित्र का भावमय कथा से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। गीता वाटिका में 30 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाए जाने वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार एवं बाबा की स्मृतियों में आयोजित महोत्सव के दौरान वृंदावन से आए हैं संत राजेंद्र दास महाराज ने कथा सुनाते हुए कहा कि मन को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ लगने के बाद फिर मन लौट कर ना आए। ऐसे तो केवल भगवान ही हैं जिसमें मन लगने के बाद मन लौटता नहीं है। भगवान के नाम रूप लीला और धाम में मन लगा देने से ही मानव जीवन की सार्थकता है। इस अवसर पर वृंदावन के रसिक संत जगतगुरु त्वराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के द्वारा श्री उद्धव चरित का भावमय प्रवचन करते हुए कहा। बैठे श्री हरि की गोद, भगवान की गोद का लिखा है। परम श्रद्धेय श्री भाई जी ने भी गीता प्रेस में छोटे छोटे अनेक भक्त चरित्र लिखे हैं जो आज भी गीता प्रेस से प्रकाशित हैं। उन सब भक्त नारियों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भक्त बालकों के चरित्र, उन सबको जरूर अपने घरों में रखना चाहिए और अपने बालकों को भी पढ़ाना चाहिए, संगीत पढ़ना चाहिए। जी की बात सुना दें, ऐसे सम्मानित महापुरुष और साधुओं में एक कोतवाल होता है, साधुओं में भी पद होते हैं, ये महंत हैं, ये अधिकारी जी हैं, ये पुजारी जी हैं, ये पुठारी जी हैं, ये भंडारी जी हैं, ये राज रसोईया जी हैं और ये कोतवाल जी हैं, ऐसे अलग अलग साधुओं में भी पद होते हैं। तो एक कोतवाल भी प्रत्येक पुराने स्थान में हुआ करता है और कोतवाल होने स्थान में जरूरी है। कोतवाल के बिना महाराज नियंत्रण रख पाना बड़ा कठिन है, आश्रम निवासियों पर वो नियंत्रण करता। तो सुदामा कुटी के कोतवाल साहब थे, बड़े विलक्षण महात्मा थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, श्री राम नारायण दास, मोटे एकदम श्याम सुंदर थे, शरीर तो पितृकुल का था लेकिन कृष्ण द्वैपायन थे, एकदम काले थे और बड़ी जोर से ललकारते थे और ठाकुर जी की बड़ी दया थी, दाऊ जी का गोला रोज लेते, भंग का रोज। तो महाराज जी हरिनाम प्रेस से, हरिनाम प्रेस ना वृंदावन, हरिनाम प्रेस से भक्तमाल छप रही थी और महाराज जी वहाँ से प्रूफ रीडिंग करके और नया जो उस समय में वो चिमटी से अक्सर उठा उठा करके प्लेट में लगाए जाते थे, कंपोजिंग होती थी, कठिन था। आप तो बहुत सरल हो गया नए तरीके आगे छपने के। तो महाराज जी प्रेस से आए थे काम करके, तो सामान्य वेशभूषा तो उनकी रहती थी, एक आधी धोती फाड़ करके वो कमर में लपेट लेते थे, एक फटी सी बनियान थी, लाल सा गमछा और एक टाट का थैला, उसी में प्रूफ वगैरह रखते थे। तो महाराज जी आए, पंगत उठ गई थी, धुलाई सफाई पंगत घर में हो गई थी। अब वो पता नहीं कैसे वो भूल गए, किस मस्ती में थे कोतवाल जी। अब आया पंगत के बाद डोलता यहां से वहां, वहां से वहां, ऐसे महाराज जी को जोर से पड़ता, चल टोकना मार। बहुत बड़ा दाल का टोकना था, महाराज जी ने हाथ जोड़ कर कहा जो आ गया। और बाहर में नल था जहाँ बर्तन मांजे जाते थे, तो खूंटी पर तो वो थैला लटका दिया और वो जो कमर में पहने थे ना बहलवास, उसको उन्होंने कमर में ऐसे ऊपर उठा करके बांध दिया।
तो भूजा लेकर के मांगना चाहिए। मांगने वाले मनिया करने वाले उतना बढ़िया बने, महाराज जी को चमकाने में लगे। और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज फलाहार करने के बाद, वो स्वयं फलाहार बना लेते थे, तो फलाहारी करते थे, फलाहार करने के बाद वो थोड़ा छत पर टहलते थे, क्योंकि सवेरे रात्रि को 2 बजे उठ जाना उनका नियम था और 3 बजे अपने भजन की आसन पर बैठ जाना, ये पक्का नियम था पूज्य श्री सुदामा दास जी। और 3 बजे रात्रि से लेकर दिन में 12 बजे तक एक आसन से वो बैठते थे। उसके बाद फिर अपना थोड़ा फलाहार बना के 1.5 बजे फलाहार उनका होता था। ऐसी कुछ भगोनी में थोड़ा सा समा है, उसी में साग वाग डाल के बना लिया है। पहले तो स्वयं बनाते थे, बाद में व्रत हो गए तो कोई एक संत उनके लिए फलाहार बना दिया। तो वो ऊपर छत पर कह रहे थे, उन्होंने देखा कि कौन महात्मा है बड़ी जोर से दाल का टोकना अमनिया कर रहा है। अब 400-500 संतों का जहाँ बनता है वहाँ पात्र भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़ा टोकना था दाल का। तो वो पहचान लिए कि महाराज जी खड़े। तो स्वयं ही उतर कर नीचे आए और बोले, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसको क्यों मांग रहे हैं। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मुझे किसी ने फटकार करके इस काम में लगाया, ये नहीं कहा, हाथ जोड़कर कहा, प्रसाद तो हम भी राम जी का पाते हैं, सेवा तो बड़े सौभाग्य से मिलती है, आज ठाकुर जी का इस दीनहीन दास पर भी बड़ा अनुग्रह हो गया जो कुछ सेवा मिल गई। तो आपको किसने कहा, महाराज जी ने उत्तर ही नहीं दिया किसको कहा, बोले भगवान की बड़ी दया जो आज सेवा मिली। तो महाराज जी ने कहा और तमाम साधु आ गए, बोले आप छोड़ दीजिए। तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बीच में सेवा छोड़नी नहीं चाहिए, आप लोगों ने सिखाया है, आपको अमनिया पूरा अमनिया करके, और उसको बड़ा बल था उठा करके महाराज जी ले गए अमनिया जहाँ करके बर्तन वहाँ रख दिए। महाराज जी तो चले गए। अब पूज्य श्री सुदामा दास जी बड़े दुखी हैं, वो समझ गए कि वो कोतवाल जी की करामात होगी, वही सबको सेवा बांटे। तुरंत उन्होंने बुलाया, बोले आपने इतने बड़े महापुरुष को सेवा दी, बोले मैं तो पहचान नहीं पाया। अरे पहचान नहीं पाया तो तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित? बोले पहले जाकर उनको साष्टांग दंडवत करो, उनसे क्षमा याचना करो और फिर कुछ घूम के आओ। हाँ, हमारे यहाँ साधु में यही सजा दी जाती, कोई गलती बढ़ती है कहते जाओ घूम के आओ, माने अयोध्या जी चित्रकूट घूम आओ, कुछ गंगा यमुना स्नान कराओ, थोड़ा धक्के खाओगे, सुख दुख का अनुभव करोगे, भूखे प्यासे रहोगे तो अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी। ऐसा तो बोले पहले उनको दंडवत करो, क्षमा मांगो, फिर जाओ घूम फिर के आओ। तो आए, हम छोटे थे, आकर के उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया, बोले महाराज जी मेरी बुद्धि खराब है, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको फटकार भी लगाई और आपसे सेवा करवाई, आप क्षमा करें, महाराज जी बड़े नाराज़ हो रहे हैं और मैं तो आप कुछ दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ। महाराज जी बोले आप कोतवाल हैं, आपने सेवा बताई, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, इसमें क्या बुरा हो गया, इतनी बात के ऊपर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ये तो बहुत बुरी बात है, मैं चलता हूँ। तो तुरंत महाराज जी ऊपर गए और हाथ जोड़कर बोले कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, यदि राम नारायण दास जी सेवा बताने के कारण यहाँ से उनको आसन उठा के जाना पड़ेगा, ऐसी आपकी आज्ञा है, इस दास को भी आज्ञा दीजिए, हम भी आज ही आसन अपना उठा लेंगे, कोई साधु का आसन हमारे कारण उठे ये हम सही नहीं कर सकते।
नहीं हमसे कहता, मान लो इस स्थान पर हम होते तुम कदे अपनी औकात में रह, पहचानता नहीं हम कौन है, हमको नहीं पहचानता। वही बड़े महाराज को पता चलेगा कि तुम्हारा बुढ़िया बिस्तर सब उठ जाएगा, खटिया खड़ी हो जाएगी, ये कहते सामान्य मनुष्य को। कितने घटनाएं ऐसी हैं, अपमान सम्मान का बोध ही नहीं।